ठीक है, कितनी बार प्रिंट हो जा रहे हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा? -1 से स्टार्ट किया मैंने रेंज को, एरर आएगा सर, एरर आएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। एक के एरर आया, एक एक कैसे बोल रहे हो आप के आउटपुट आएगा एरर आएगा? आउटपुट आएगा उल्टा आएगा, यानी कि 10 मतलब उल्टा उल्टा आएगा, 10 9 8 इस तरह से आएगा। मतलब माइनस में वैल्यू नहीं आएगी उसकी, मतलब है -1। हाँ सर, क्योंकि आप वो वहाँ पे डिक्रीमेंट ले रहे हो ना -1 का। ओके चलो, 1 स्टार्टिंग टाइम है। या सी दिस आउटपुट कुछ कर रहा है, ठीक है, रिवर्स में आया नंबर वो। टेन नाइन एट 7 6 5 4 3 2 1। देखो 10 तो मैंने क्या लिया, स्टार्टिंग वैल्यू जो 10 से स्टार्ट हुई आपकी है, ठीक है। 0 क्या है आपकी एंड वैल्यू, तो 0 तक 0 अगर -1 करोगे, 0 में -1 करोगे तो +1 होगा, ये तो इतना पता है इसे आपको। -1 किया तो -1 से उल्टा चलाई 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह हम रिवर्स नंबर को प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद है कि हम कुछ भी वैल्यू लें लिस्ट में या किसी में भी, वो मुझे उसका सम करके दे दे। कैसे नहीं ले रहा है यहाँ पर ये, क्योंकि मैंने यहाँ पर ईवेल तो लिख दिया बट इनपुट नहीं करा रहा हूँ मैं इसको। गाना है या क्या है, पूरा अच्छे से गाओ या तो फिर सुनाई भी दे। देखो इधर देखो, लिस्ट लिखा, टाइप चेक करते हैं, टाइप ऑफ ठीक है, इसका टाइप बता देगा ये, आपने टाइप किस टाइप का लिया है। अभी शायद मैं भी टपल्स बता सकता है या लिस्ट बताएगा। 1, 2, 3, 4 देखो टपल बताया इसने,
क्यों बताया टपल? एनी आइडिया? मैंने मैं आपने लिस्ट डाला तो सर लिस्ट ही लेना था, बताओ सर। वो ब्रैकेट में नहीं है तो बाय डिफॉल्ट टपल ही लेगा सर, 1 2 3 4। ठीक है, बाय डिफॉल्ट टपल इसलिए लेगा क्योंकि आपने इवेल फंक्शन लगाया है, इवेलुएट कर देता हर वैल्यू को, और बाय डिफॉल्ट जब आप किसी वैल्यू को टपल्स में क्या सिस्टम है, अगर आप पेरेंथेसिस कंपलसरी नहीं है कि लगाना है, आप पेरेंथेसिस विदाउट पेरेंथेसिस के भी यूज करोगे तो एज ए बाय डिफॉल्ट टपल टपल लेगा वो। और अगर लिस्ट लगाते हो आप तो लिस्ट को तो आप डिनोट करना ही पड़ेगा आपको किससे, स्क्वायर ब्रैकेट से। जैसे मैंने ब्रैकेट लगाया, मैंने लगाया और इसके बाद बंद कर दिया, एंटर किया तो देखो फिर इसने क्लास लिस्ट दे दी मुझे। अब देखो, अब अगर हम डिक्ट लगाते हैं, वो सेट लगाते हैं, तो सेट का क्या रूल्स है? सेट के रूल्स पता है आपको क्या क्या रूल्स है सेट के? हेटरोजीनियस है कि होमोजीनियस है वो? हेटरोजीनियस है ना। अब जैसे उसका ये स्टार्ट किया मैंने कैलिब्रेशन, 1 2 2 3 and 4। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए मुझे? 2 3 2 5 5 3 8 8 4 12। क्या रिजल्ट आया मुझे? 10। समझो इस सेट का क्या अंतर है सेट में। सर वो रिपीटिंग वैल्यू को एक ही मान रहा है, एक ही मान रहा है वो रिपीटिंग वैल्यू को ना, रिपीट क्योंकि उसमें डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। और सेम इसी तरह हुआ था ये तो आपका फॉर लूप खत्म। उसके बाद आता है आपका व्हाइल लूप। देखो व्हाइल लूप में क्या होता है आपका, इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इटरेटिवली अंटिल सम कंडीशंस फॉल्स देन वी शुड गो फॉर फुल लाइफ फॉर व्हाइल लूप। यानी कि आप कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को इटरेटिवली उसकी सम कंडीशंस को एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हो, यानी पूरी नहीं सम कंडीशंस को, तो आप व्हाइल लूप को उपयोग में ले सकते हो। कंडीशन क्या है, इसकी सिंटेक्स क्या है? व्हाइल कंडीशन पास की बॉडी, उसकी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। हमें जानो प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बाय यूजिंग ए व्हाइल लूप। अगर इसको समझते भी है किस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है ये, और उससे अंतर उससे डिफरेंट क्यों है फॉर लूप से। ये क्या चल रहा है, ये क्या है? इनफाइनाइट लूप क्यों चल रहा है ये? स्टॉप नहीं किया है। अरे स्टॉप तो नहीं किया, वो तो ठीक है, चल क्यों रहा है ये? सर क्योंकि कंडीशन मेट नहीं हुई। देखो अरे सर, मैंने एक्स की वैल्यू क्या ली, एक्स वन ली एक्स की वैल्यू, वाइल जबकि x less than equal to 10, x में क्या है आपका 1 less than greater than लिख दिया, less than equal to 10, 1 की वैल्यू क्या है आपकी, x की वैल्यू क्या है 1 और किससे छोटा है आपका 10 से,
10 से छोटा ही रहेगा हमेशा, प्रिंट की वैल्यू जब तक वो बढ़ेगी नहीं वो छोटा ही रहेगा, इसलिए इनफाइनाइट लूप चलता ही रहेगा वो। अब उसको बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, इसको अंदर कर दिया, बाहर था पहले ये, ऐसे हैंग हो जाता है, हैंग होने का बड़ा डिस्टर्बेंस होता है इसमें। हो गया, देखो ठीक है, अब ये क्या करेगा, पहले x की वैल्यू 1 होगी, अरे इसको स्टार्ट करें वापस, ठीक है 1 से लेके 10 तक चलाइए, क्योंकि मैंने इसमें वैल्यू को डिफाइन कर दिया। अगर मैं इसमें 11 करता हूं तो क्या आएगा इसका आउटपुट, कुछ नहीं आया क्योंकि x गया यहां पर, x लेस देन इक्वल टू 10, क्या छोटा है, नहीं, बराबर है, नहीं, क्या एग्जीक्यूट करेगा, कुछ नहीं। फिर अगर यहाँ कंडीशन लगाए हम, यहाँ पर इफ कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं, अगर x लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हुआ तो एक कंडीशन बना, else में डाल के वो वाला प्रिंट कर दो तो उसमें वो कंडीशन पास कर सकते हैं। अब मैं कहता हूं टू डिस्प्ले द फर्स्ट, टू डिस्प्ले द सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, n नंबर्स में जैसे मैंने डाला 5, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू कितना दे देगा मुझे, 15 देगा, कितने देगा, 5 होगा, 4 3 होगा, पता नहीं कितने देगा, 15 देगा, ठीक। यानी कि मैं कितना भी प्रिंट करूं फर्स्ट में उसका मुझे टोटल नंबर लाके दे दे, ये तो 5 है मैंने लिया यहाँ पर, n इक्वल टू int मैंने p eval लिया, इनपुट लिया, एंटर नंबर, फाइव लिखा, 15 आ गया, वन थ्री लिखा तो 7626 आ गया। अब बताओ ये लूप आया समझ में कि नहीं आया,
क्या आगे बढ़ू बताओ। सर एक बार और समझा दो। क्या समझाओ, क्या समझ में नहीं आया पहले मुझे बताओ, क्या समझ में नहीं आया, ताकि उस पहले वाले से रिलेटेड है पूरा का पूरा। ये सर व्हाइल का स्टेटमेंट समझा दो। व्हाइल का स्टेटमेंट ये है कि अगर आपने कोई कंडीशन फिक्स कर दी, यहाँ पर कोई कंडीशन फिक्स कर दी और उससे लेस देन चेक करेगा कि उससे इक्वल है या नहीं है। जैसे आपने n डाला, मैंने यहाँ पर डाला 5 फॉर एग्जांपल, मैंने डाला यहाँ पर 5, ऐसे समझाता हूँ रुको आपको। सर पर इसका आंसर 7626 कैसे आएगा? तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस इक्वल टू 123 करो। जैसे देखो, अच्छा सर आपने 123 एंड की लिमिट डाली है, एंड की लिमिट है, जैसे मैंने कि 123 दे 5 डाला है, मैंने कहा स्टार्टिंग लिमिट है, स्टार्टिंग एंडिंग थोड़ी, इसमें इसमें रेंज थोड़ी ना लगा रहा है मैंने। आया स्वीटी आपको समझ में? ठीक है सर, समझ में आया? हाँ सर आ गया। तो ठीक है मुझे एक्सप्लेन करो, मैं पेंट खोलता हूँ, एक्सप्लेन करो मुझे कैसे कैसे रन कर रहा है कोडिंग। सर अपन ने, आपने लिमिट, अपन ने एंटर एनी नंबर, तो अपन ने अगर नंबर डाला, अगर 123 नंबर डाला, नहीं रुको 123 नहीं, मैंने 5 डाला है, 5 डाला है मैंने नंबर, है ना, एन में क्या गया आपका 5, ठीक। उसके बाद सम मैंने 0 लिया है, सम आपको 0 लिया है, अब आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई है। उसके बाद वाइल में अपन कंडीशन चेक करेंगे कि वाइल i लेस देन इक्वल्स टू n है। एक सेकंड, एक सेकंड, तो i की वैल्यू, अरे एक सेकंड रुको मैडम रुको, 0 i की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू ये 5, ठीक है। इस कंडीशन का मतलब ये i में क्या है 0 और n में क्या अपन ने क्या डाला है 5, ठीक है। चेक करेगा कंडीशन, चेक करेगा कंडीशन 0 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू, हां फिर क्या करेगा, क्या आया सम करेगा, सम सम में, सम में क्या आया, पहले से वैल्यू 0 है। हाँ धीरे धीरे धीरे, सम में क्या है, सम में 0 0 है ना, सम प्लस आई, आई में क्या है अभी आपका 0 0, तो क्या करेगा ये 0 प्लस 0 आउटपुट दिएगा 0 0 0 आ जाएगा, 0 0 ले लेगा, ठीक है। अभी यहां तक काम हुआ, उसके बाद नीचे आया, आई में क्या है अभी आपका, आई में क्या है अभी आपका 0 जीरो ले लिया था क्योंकि आई लेस देन इक्वल टू ना, आई में तो 1 डिफाइन है, तो आई लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या, आई प्लस 0 प्लस क्या हो जाएगा आपका 1, 1, तरुण समझ में आ रहा ना, 1 है ना, 1 आया यहाँ पर, ठीक है, 1 को यहाँ सम में डाल दिया। अब देखो आई की वैल्यू क्या है अभी, आई की वैल्यू क्या है, 1 यहाँ हो चुका है, 1 है, 1 है अभी, आई की वैल्यू 1, 1 हो गई, तो 1, हाँ 1 प्लस 1 2, अब n में क्या है, अब यहाँ तो प्रिंट करना पड़ेगा ना, 1 प्लस 2 1 2 तो हो जाएगा। अभी आपको क्या, अभी आई की वैल्यू क्या है अभी आपकी, स्टॉप कन्वर्टिंग, अभी आई की वैल्यू क्या है आपकी, अभी यहाँ पर आई इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि आई में था 1, आई में 1 था, यहाँ तो यहाँ क्या हो गया, सम में क्या हो गया आपका, सम में देखो, सम आपका 0 था, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, सम में क्या हो गया 1 हो गया, और आई में क्या था आपका 1 इक्वल टू आई प्लस 1, या तो क्या हो गया आपका 2 हुआ कि नहीं हुआ, I की वैल्यू होगी 2, सम की वैल्यू हो गई 1, तरुण समझ में आया कि नहीं आया, वरना फिर बताऊं। सर आ गया, वो प्लस कर रहा है, प्लस कर रहा है ना, इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लस 1 इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें, और n में डाल रहा है वैल्यू को, है ना, n की क्या आपकी, n की जैसे आपने 5 डाला, तो सम क्या करेगा, सम में सारी वैल्यू जा रही ना, 1 प्लस 2, अब फिर यहाँ 1 प्लस 2 कर देगा, 1 प्लस 1 कर देगा, 1 प्लस 2 कर देगा, फिर 3 कर देगा, फिर 4 कर देगा, ऐसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, है?
आया समझ में? यस सर। ओके ठीक है, स्वीटी इंटेलिजेंट हो गए, स्वीटी को समझ में आ रही सब चीजें। ठीक है चलो, देखो 10 हो गया, 50 हो गया, क्या पॉपअप खुल गया रे? देखो अब इसका क्या आएगा, नेम नियल लो, एंटर देन नेम, इसके अंदर आएगा ना। तो देखो नेम मैंने क्या लिखा, एम्प्टी नेम, मैंने स्ट्रिंग एम्प्टी रखा, क्यों? क्योंकि जो नेम एंटर होगा यहां पर वो नेम मैच होगा, वाइल नेम नेम यहां पर है नॉट इक्वल टू दुर्गा, ठीक, वाइल नेम नॉट इक्वल टू पाइथन हुआ तो नेम इनपुट एंटर नेम, एंटर नेम यहां से प्रिंट होगा, वो कब तक चलेगा, जब तक आपका सही मैच नहीं हो जाता, देखते हैं। देखें एंटर नेम लिखा मैंने, सेम एंटर नेम, सेम एंटर नेम करण, एंटर नेम पाइथन, थैंक्स फॉर कंफर्मेशन। जब तक आपका नाम मैच नहीं हो जाता तब तक वो क्या करेगा, प्रिंट करता ही रहेगा आपकी वैल्यू को, मतलब वो नाम पूछता ही रहेगा आपसे। आया समझ में इसको? देखो वाइल जबकि, यानी कि नेम नॉट इक्वल टू पाइथन, जब तक वो इसके इक्वल नहीं हो जाए, जब तक वो नेम प्रिंट करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे, यानी कि जब तक आपको चलाना है चलाते रहो, जब सेम मैच हो जाए तब वही रुकने के लिए बोल दो उसका, हाँ मैच हो गया तो सही है। हम इसको इफ एल्स से भी कर सकते हैं, फॉर लूप से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे कहना जो चीजें बनी है ना वो स्पेशली इसी के लिए बनी है। जैसे आप अगर आपको कहीं जाना है, यहाँ पे मेट्रो चलती है, आपकी तरफ चलती होगी खैर, जैसे मुझे दिल्ली से या गुड़गांव जाना है या फिर मुझे नोएडा जाना है, तो आपके पास तीन रास्ते हैं, आप बाई ऑटो से जा सकते हो, बाई बस से जा सकते हो, बाई मेट्रो से जा सकते हो। लेकिन बस मुझे जल्दी पहुंचना है तो मैं जल्दी से पहुंच सकता हूँ, तो मेट्रो में सस्ता भी पहुंच रहा हूँ, जल्दी भी पहुंच रहा हूँ और विदाउट एनी टेंशन के पहुंच रहा हूँ, तो मैं फिर मेट्रो का मेट्रो से लूंगा। आप जा तो ऑटो से भी सकते हो, जा बस से भी सकते हो, फिर आपको आपको पता है उससे जाने में कितना टाइम खर्च होगा और कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, पैसा कितना लगेगा, सब समय उधर, सब चीजें उधर लगेगी आपको, बट मेट्रो से क्या फायदा है ये आपको पता है। वैसे आप फोर का कहाँ यूज करना है जो हमें फायदा दे सकता है, वाइल का कहाँ यूज करना है हमें फायदा दे सकता है, और इफ एल्स का कहाँ यूज करना है जो हमें फायदा दे सकता है। आप तीनों को मिक्स करके भी इधर उधर का प्रोग्राम बना सकते हो, लेकिन वो ये मेमोरी कंज्यूम करेगा, टाइम स्लोट ज्यादा लेगा और आपका प्रोग्राम का जो कोडिंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा लो हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला कोडर को पता लगेगा कि जब, क्योंकि हर एक कोडर आपकी तरह नहीं सोच सकता, उसके अलग अलग डिमांड एक्सपीरियंस होते जाओगे, इससे पता लगेगा हाँ मुझे यहाँ पे फोर का यूज करना है या वाइल का, यहाँ पे इफ एल्स का। अगर आपने इफ एल्स लगा दिया वो सोच लेगा कि यार तो फोर लूप के थ्रू वाइल के थ्रू और इजी होता, अब आपको पता नहीं कि यार मेट्रो वहां भी जाती है, फिर किसने कहा मेट्रो तो यार उधर होके आती, तो मेट्रो से आ जाती, यार मुझे पता नहीं था मेरे बस से आए ऑटो से आए, बता दिया ना, तो नेक्स्ट टाइम तो आप उसी से आओगे। तो वही है वाइल और फॉर लूप सेम है, बट लेकिन कहां किस जगह उसका यूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है उस चीज को। आया समझ में इस चीज?
तरुण, राहुल, राहुल तो आज राहुल तो आज बात ही नहीं कर रहा है, राहुल चुपचाप बैठा है यार आज तो। राहुल आप तो चुपचाप बैठे हो यार आज। देखो फिर एक आता है इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप में क्या होता है, इनफाइनाइट में होता है आपका आई ऑफ जीरो चलाया वाइल ट्रू। एक तो अच्छा राहुल नहीं था क्या पहले, देखो इनफाइनाइट लूप क्या होता है आई इक्वल टू जीरो वाइल ट्रू। ट्रू कब तक रहेगा, अगर मैंने आई प्लस वन भी कर दिया हेलो आई प्रिंट करता रहेगा वो, क्योंकि ट्रू है चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, बढ़ेगा थोड़ी वो ट्रू है वहां पे। आपने कोई कंडीशन थोड़ी दी कि वहां तक रुक के स्टॉप हो जाएगा वो, आपने ट्रू लिख दिया तो इनफाइनाइट लूप में चलता ही जाएगा। कोई सीमा है कि चलने की, इसकी प्लस होता ही चला जा रहा है वो, चला जा रहा है चला जा रहा है इनफाइनाइट लूप। मैं इसको अंडर कवर कर देता हूँ वरना चला फिर चलेगा। उसके बाद आता है आपका नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप के बारे में सुना है? नेस्टेड लूप का वो होता है, नेस्टेड लूप होता है, नेस्टेड लूप होता है आपके लूप, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, के अंदर लूप हम कैसे काम करेंगे। जो फर्स्ट वाला लूप होता है वो तो आता है आउटर लूप, जो सेकंड वाला लूप होता है वो का होता है इनर लूप, अंदर वाला लूप। देखो सम टाइम्स वी कैन टेक अ लूप इनसाइड अनदर लूप व्हिच आर आल्सो नोन एज अ नेस्टेड लूप। यानी कि आप कुछ समय के लिए जब आपको लूप के अंदर लूप चलाना हो तो उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। देखो वर्क कैसे करता है ये, देखो फर्स्ट लूप एक लूप चलाया मैंने आई रेंज टू लिया एक में ना, तो कहां तक चलेगा ये जीरो वन, वन टू, जीरो वन चलेगा, वन जीरो वन टू तक चलेगा, जीरो वन तक, जीरो वन तक चलेगा ना ठीक। प्रिंट क्या करेगा आउटर लूप ऑफ आई की वैल्यू, ठीक है फोर जे इन रेंज, इनर लूप चलाया ये चलाया थ्री तक, तो ये कहां तक चलेगा आपका जीरो वन टू, जीरो वन टू ठीक है। उसके बाद इनर लूप प्रिंट होगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ द कोड, यानी कि आपका कोड रेस्ट कर लेगा, यानी कि इसको मैं लिखू ना लिखू बराबर है, इसको मैं नहीं लिखता। कोड समझ में आया है, कुछ किया मैंने इसमें, कुछ नहीं किया ना है? अब आउटपुट देखो इसका,
ये आउटपुट चला इसका, समझ में आया आउटपुट इसका कैसे चल रहा है? सर और एक बार समझे, ये समझ में नहीं आया कैसे चल रहा है आउटपुट इसका? सर आ गया। किसको आया? तरुण। तरुण बताओ, देखे एक्सप्लेन करो यार। सर पहले जीरो से वो तक चला, जीरो वन। कौन सा चला पहले? चल रहा है वो जीरो, जीरो वन चल रहा है पहला वाला। जीरो वन तो आ नहीं रहा है, तो जीरो जीरो आ रहा है दोनों। सर पहले पहला लूप चला जीरो, पहला लूप चला आउट, हाँ जीरो चला, फिर सेकंड लूप चला। देखो पहले पहला लूप चला आपका, हाँ सही बता रहे हो, पहले लूप चला आपका, देखो इसके ये कहां तक चलेगा आपका, जीरो कोमा वन इसका, तो ये चलेगा, और इसका आएगा आपका जीरो कोमा वन कोमा टू, ठीक है। सबसे पहले आपका ये वाला फोर लूप चला, तो इसमें क्या है, जीरो वैल्यू आई, जीरो को इसने आउटर लूप पहले बार प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू जीरो कर दी इसने, ठीक है। अभी वन पे नहीं गया, वन पे नहीं गया अभी, क्योंकि अगर टर्मिनेट हो जाता है यहीं पर जीरो वन, क्योंकि ये प्रिंट क्या करता है आपका, ब्रेक करने का काम करता है, यही ब्रेक कर देता है, बट फोर के अंदर और एक और फोर लूप है, तो इसको भी वो चलाएगा, एक बार ये रन होगा फिर उसके बाद ये रन होगा। तो सबसे पहले उसने जीरो प्रिंट किया, ये आउटर लूप आपका जीरो चला एक बार, ठीक है। फिर अंदर आया वो फोर जे इन रेंज किया थ्री, यानी कि जीरो वन टू, फर्स्ट की फर्स्ट वैल्यू क्या है इसकी, जीरो, तो इसने भी प्रिंट किया जीरो, यानी कि जे की वैल्यू इसने इनर लूप चला दिया जीरो, दोनों का जीरो जीरो आया, लूप ब्रेक। फिर टर्मिनेट हुआ, ये फर्स्ट के पास आया वापस, सॉरी ये ब्रेक हुआ, ये चला ना, ये जीरो वन तो हो गया, बट लेकिन ये इसने लूप तो ब्रेक हो गया, ये वाला टर्मिनेट हो गया, बट अभी इसी लूप के अंदर है वो, अभी इसको इसको परमिशन नहीं दी इसने बाहर वाले लूप को, इनर लूप के अंदर ही अभी, क्योंकि यहाँ पे तीन टाइम चलेगा ये, और ये फर्स्ट टाइम चल के इनर लूप में आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट टाइम तो ये चला, सेकंड टाइम चलेगा, फर्स्ट टाइम चलने के बाद जीरो जीरो प्रिंट हुआ, जीरो के बाद इसने इस वाले को दे दिया आप हैंड ओवर कि आप संभालो, जब तक आप पूरे नहीं हो जाते मैं आपका हैंड ओवर नहीं करूंगा, आपको हैंड ओवर नहीं लूंगा, इसलिए एक बार इसने चला, अब इसकी बारी है। वन चला फिर जीरो चला, जीरो प्रिंट कर दिया इसने, फिर गया टर्मिनेट लूप, फिर जीरो से इसका वैल्यू क्या है वन हुई, वन प्रिंट कर दिया फिर इसने इनर लूप में वापस, ठीक है, वन प्रिंट कर दिया। फिर वहां से स्टार्टिंग से वापस री एंटर किया इसने, री एंटर करने के बाद फिर वापस वन वन स्टार्ट हुआ, तो ऑटो लूप वन चला इसका, फिर ये चला, फिर इसको कोई वैल्यू से मतलब नहीं है कि कितना चला, वन टू चला कि वन जीरो वन टू चला, इसको कोई मतलब नहीं। फिर ये चला यहां से, इसका चला ये आउटर लूप का, आउटर लूप जब वन हुआ, जीरो तो हुआ फिर वन हुआ, वन के बाद फिर एंटर हुआ, फिर एंटर होने के बाद फिर जीरो से स्टार्ट होगा ये, फिर जीरो देखा इसने, फिर इनर लूप को जीरो प्रिंट कर दिया, फिर वन हुआ वन को प्रिंट कर दिया, टू हुआ टू को प्रिंट कर दिया इसने, जब तक वैल्यू देखो दो बार जीरो, फर्स्ट टाइम जीरो चला तो जीरो प्रिंट कर दिया, फिर वन प्रिंट कर दिया, फिर टू प्रिंट कर दिया, दो बार तो ये चल गया, उसके बाद फिर आउटर लूप की बारी है, यहाँ से ब्रेक हो गया, आउटर लूप चला, फिर जीरो के बाद वन आया, वन के बाद फिर इसने एक बार चलाई आउटर लूप, फिर इसने इसको कमांड दे दिया कि वापस तुम संभालो, तो वापस जीरो से प्रिंट करेगा, फिर इनर लूप जीरो वन टू, यानी कि जितनी वैल्यू होगी प्रिंट करते, आया समझ में? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, ऐसे प्रिंट करता है इनर लूप आउटर लूप, ऐसे प्रिंट ऐसे एग्जीक्यूट करता है इस चीजों को। सर लिंक डीएक्टिवेट होने वाला है। हाँ यार ऐसे भी मैं वाइल, चलो एक बार और डिस्कनेक्ट करके कर लो, 10 मिनट की क्लास और बच्ची 5-10 मिनट की, इसके बाद फिर मैं ऑफ कर लूंगा, चलो लिंक वापस कनेक्ट कर लो आप, है ना सभी।